नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 20। तो आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने निवास से वर्चुअली कार्यक्रम के माध्यम से इंदौर में 14.80 करोड़ रुपए की लागत से नव निर्मित सरबटे बस स्टैंड एवं पब्लिक बाइसिकल सिस्टम का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने देवनगर में 35 MLD STP के एवं सिरपुर तालाब में 20 MLD STP का भूमि पूजन भी किया। इंडिया न्यूज 28 के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। एक बात और है इंदौर की कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन जनता को साथ लेके आगे बढ़ते। आजकल मैं हर जगह कह रहा हूं कि जब तक जनता साथ ना आए तब तक पूरी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और कई जगह मैं गौरव दिवस, जन्मदिन मनाओ, शहर का जो मेरा जो ये अभियान है वो इसी बात का है कि जनप्रतिनिधि, प्रशासन और जनता साथ खड़ी हो जाए तो इंदौर की तरह चमत्कार किया जा सकता है। इंदौर एक श्रेष्ठ और आदर्श उदाहरण है। जनप्रतिनिधि, प्रशासन और जनता तीनों के साथ मिलकर काम करने का आजकल मैं ये कहता हूं इंदौर मॉडल लागू करो, इंदौर की तरह काम करो। लेकिन यह संकल्प है, इंदौर स्वच्छता सहित कई चीजों में आगे है लेकिन हर क्षेत्र में नंबर वन रहे अपना इंदौर, अपना शहर इंदौर, मेरे सपनों का शहर इंदौर। और आपके साथ मिलके इंदौर वासियों के साथ हम इंदौर को बाकी बचे क्षेत्रों में भी नंबर वन बना पाए उसमें मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे लगता मैं भी इंदौरी हूं, इंदौरियन, ये कहते हुए गर्व होता है। और ये सरबटे बस स्टैंड उसी दिशा में, ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में कदम है। ये आपकी आते बस स्टैंड तो आमतौर पर बस स्टैंड की जो हालत हम लोगों ने देखी है, गंदगी, कचरे का ढेर, आती हुई बदबू, खड़े होने की, बैठने की ठीक से जगह नहीं है, अलग तरह का फीलिंग्स बस स्टैंड में आकर शहरों में अगर आमतौर पर चले जाए तो कैसा होता था। लेकिन सरबटे बस स्टैंड सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक बस स्टैंड के रूप में उभर के सामने आया। ये बाकी जगह भी कैसे बस स्टैंड बने इसके लिए भी उदाहरण साबित हो सकता है। इसमें बेसमेंट पार्किंग के लिए भी स्थान आरक्षित है। दो पहिया वाहन कहां खड़े करेंगे, तो कहीं भी स्कूटर खड़ा किया और फिर छोड़ने आया तो रस्ते में कतार लगी हुई है।